हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में हम कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपको जो पिछली वीडियोस में लूप्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, तीन तरह के लूप्स होते हैं और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम्स में आपको बता दिया था, तो उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट भी है। जैसे कि मैंने आपको इफ एल्स में बताया था कि किस तरह के इफ एल्स होते हैं, जैसे हमारे लेटर इफेल्स होते हैं, नेस्टेड इफेल्स होते हैं, ओके। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारे लूप्स में भी। तो लूप्स में क्या होता है, उसमें होता है हमारा नेस्टेड लूप। अगर आप कोई भी हल्का सा भी बड़ा प्रोग्राम बनाने जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर नेस्टेड लूप्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ओके। तो इस वीडियो में हम आपको नेस्टेड लूप्स के बारे में ही बताने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं कि कैसे हम उसको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं, तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर। तो इसमें भी इसी का मतलब यही है कि एक फॉर लूप के अंदर अगर हम दूसरे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी लूप के अंदर हम किसी भी अलग लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। सिंपल सी भाषा में आप यही समझिए और कोई आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन्स क्या होते हैं, कन्फ्यूजन्स ये होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। जैसे आपको देखने में सिंपल लग रहा है कि आपने एक फॉर लूप लगाया, उसके अंदर एक फॉर लूप और लगा दिया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही अलग होता है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको हम समझते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो प्रोग्राम हम बनाते कहाँ हैं, अपने VS कोड पे। तो चलिए अपने VS कोड की ओर मूव करते हैं। तो हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो कि हर प्रोग्राम्स में यूज़ होती हैं, इसलिए इसको मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि आपका टाइम बच सके, ओके। तो हम पहले करेंगे क्या, नेस्टेड फॉर लूप की ओर या नेस्टेड वाइल लूप जो भी हो, सब सेम ही काम करता है, बस आपको एक बार इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो समझना है। तो उसको करने से पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर लूप बनाते हैं और 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट कराते हैं, ओके। यहाँ पर इंटीजर हम एक डिक्लेयर करते हैं, इसका नाम रखते हैं आई, और यहाँ पर हम फॉर लूप लगाते हैं अपना। तो पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, तो यहाँ रखते हैं आई इक्वल टू 1, देन आई की वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल टू जब तक 5 है तब तक ये लूप चले और आई की वैल्यू प्लस प्लस करती रहे, ओके। देन यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं आई की वैल्यू ताकि हम जान सकें कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है प्रोग्राम का, ओके। देन यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी के बाद आई की वैल्यू। एक काम और करिएगा, यहाँ पर आप लाइन ब्रेक करने के लिए स्लैश एन का भी यूज़ कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो ये सिंपल सा फॉर लूप का प्रोग्राम बन गया है, इसको हम एक बार रन कराते हैं, यहीं से रन करा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये फॉर लूप अच्छे से रन हो गया है, 1 से लेकर 5 तक के पूरे नंबर प्रिंट हो गए हैं, ओके। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है ना प्रिंट कराने की, इसको एक और फॉर लूप के अंदर हम करने जा रहे हैं, मतलब हम फॉर लूप के अंदर एक और लूप लगाने जा रहे हैं, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर एक वेरिएबल हम और डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम जे, ओके। देन यहाँ पर हम अपना एक फॉर लूप और लगाते हैं, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, दोनों लूप हमारे सेम ही हैं, ओके। जे प्लस प्लस, अब जो ये प्रिंट एफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करते हैं और यहाँ पर आ करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ आई की जगह हम जे लिख देते हैं, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप का कोड यूज़ किया है। अब चलिए इसको रन कराते हैं, ओके। तो पहले हम यहाँ पर इसका टर्मिनल क्लियर कर देते हैं, CLS लिख करके यहाँ का टर्मिनल क्लियर होता है, देन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देखिए रन हो गया है और यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे पता है, तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बार लिख करके आ रहा है। तो एक इसका सिंपल सा फंडा होता है, आपको ये क्लियर करके चलना है कि होता क्या है इसमें कि आउटर वंस, मतलब जो आउटर लूप है, जो आपका बाहरी लूप है, इसे हम कहते हैं आउटर लूप, जो कि बाहर होता है, और इसे हम कहते हैं इनर लूप, ओके। तो जो आपका आउटर लूप होता है, ओके,
वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, और जो इनर लूप होता है वो आपका उस एक बार के लिए वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। मीन्स यहां पर फंडा ये है कि आउटर वंस और इनर फुल। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी एग्जांपल में आपको एक फॉर लूप बना के दिखाया था और 5 बार नंबर प्रिंट करा के दिखाया था, तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि जो आपका जो ये लूप है, जो इसके अंदर ये बॉडी है, मतलब जो ये लिखा गया है, ये आपका 5 बार चलेगा। ओके, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। देन अंदर आते हैं, अंदर भी आपके एक फॉर लूप लगा हुआ है, तो मतलब ये फॉर लूप भी आपका 5 बार चलेगा। ओके, अब आप ध्यान से रखिएगा, जो सी लैंग्वेज हमारी, वो सी लैंग्वेज है एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, और एक लाइन बाय लाइन होता है। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां चला गया, वहां एग्जीक्यूट होने लगा। तो मतलब ऐसा ये है कि एक बार अगर ये फॉर लूप अंदर वाला चलना शुरू करेगा, जब तक ये 5 बार प्रिंट नहीं करेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो ये 5 बार प्रिंट करेगा, देन आप इस फॉर लूप के पास आएंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगाए ही हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जे इज इक्वल टू, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके और दिख सके कि किसकी वैल्यू कहाँ पर इंक्रीज और कैसे हो रही है। तो एक प्रिंट एफ यहाँ भी लगाते हैं, और यहाँ पर परसेंट डी का यूज करके हम अपनी आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि आई इज इक्वल टू ये है। ओके, अब चलिए हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और इसका एग्जीक्यूशन फिर हम समझते हैं कैसे हुआ है। तो यहाँ पर हम सीरियस करके क्लियर करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके अपने प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया है। तो चलिए अब इसका एग्जीक्यूशन हम समझते हैं। ओके, तो पहले क्या होगा, पहले हमारी आई और जे की वैल्यू डिक्लेयर हुई है, तो मतलब ये एक मेमोरी ब्लॉक को इसके लिए कैप्चर कर देगा। उस मेमोरी ब्लॉक का नाम, एक का नाम रखेगा आई और एक का नाम रखेगा जे। ओके, देन यहां पर आएगा और आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करेगा, और यहां पर चेक करेगा क्या हमारी आई की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी या 5 से बराबर है। हाँ है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है यहाँ पर। देन यहां पर आई प्लस प्लस करेगा, ये बाद में करता है, याद रखिएगा। अब यहां पर आएगा और इस फॉर लूप को चलाएगा, जे इज इक्वल टू 1 करेगा, और क्या चेक करेगा, क्या जे की वैल्यू हमारी 5 से छोटी या बराबर है। हाँ भाई, छोटी है, एक ही है। तो क्या करेगा, प्लस प्लस करके यहाँ प्रिंट कर देगा। पहले यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, जे इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर फिर जाएगा, अब जे की वैल्यू 2 हो गई है। ओके, फिर चेक करेगा क्या 5 से छोटी है, हाँ छोटी है। फिर चला देगा, अब जे की वैल्यू 3 हो गई है। फिर चेक करेगा क्या क्या जो हमारी जे की वैल्यू 5 से छोटी बराबर है, हाँ 3 है। फिर प्रिंट करेगा, मतलब ये 5 बार प्रिंट कर देगा जे को। पहला काम हमारा 5 बार जे प्रिंट होगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जे इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 आपका प्रिंट हो गया है। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे, अब ये पूरा प्रिंट कराने के बाद आपका ये फॉर लूप से बाहर आएगा, और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब हमारी अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई इक्वल टू 1 प्रिंट हो गया है। ओके, तो इतना समझे आप, अब समझिए। अब यहाँ से फिर ये फॉर लूप ऊपर जाएगा, और अब की आई की वैल्यू 2 हो गई है। ओके, आई की वैल्यू 2 हो गई है, और ये फिर अंदर आएगा, और ये जो फॉर लूप है ना, इसको फिर से चलाएगा, जे इक्वल टू 1 से लेकर के जे इक्वल टू 5 तक के लिए ये फॉर लूप आपका फिर से चलेगा, और यहाँ पर जे इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई इक्वल टू, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, 4, 5। ओके, और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होकर यहाँ बाहर आएगा, और ये आई इक्वल टू 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि इस बार हमारी आई की वैल्यू 2 है। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, आई इक्वल टू 2 प्रिंट हो चुका है। ओके, फिर यही होगा काम, यहाँ पर जाएगा, अब की आई की वैल्यू हमारी 3 हो चुकी है, फिर अंदर आएगा, और ये लूप हमारा फिर से चलेगा 5 बार, और जे की वैल्यू हमारी 5 बार फिर से प्रिंट होगी, जो कि यहाँ पर आप प्रूफ दे सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर बाहर आएगा, और यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, जो कि है हमारी आई इक्वल टू 3। ओके, फिर यही काम होगा, फिर यहाँ पर ऊपर जाएगा, और आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये फिर से एग्जीक्यूट होगा, जे हमारा देखिए 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू 4 प्रिंट किया है। ओके, फिर यही काम करेगा, आई की वैल्यू की 5 हो चुकी है, तो ये 5 बार फिर प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा, और फिर यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा क्या हमारी आई की वैल्यू 5 से छोटी है बराबर है, नहीं, क्योंकि आपकी 6 हो चुकी है ना, तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह होता है हमारे किसी भी नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन। ओके, तो अगर आप इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा देंगे ना, तो यही काम होगा। पहले क्या होगा कि आउटर वाले के लिए जो हमारा इनर वाला है ना, वो बार बार चलेगा, ये बार बार चल जाएगा, फिर ये चलेगा, और जब ये 5 बार चल जाएगा, तब ये एक बार चलेगा, मतलब काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे एग्जीक्यूशन का फॉर लूप के। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना, तो आपको फॉर लूप में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप नहीं समझे तो आप इसको वीडियो को फिर से रिप्ले करके फिर से देखिए और अच्छे से समझ जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।